नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल टेक्निकल मोह में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम बताएंगे कैसे आप एक पासपोर्ट साइज को, जो पासपोर्ट साइज आपका फ़ोटो है उसको कैसे रिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जब आप फॉर्म भरते होंगे तो कहीं 10 के भी मांगता है, कहीं 20 के भी मांगता है, कहीं 50 के भी मांगता है। तो इस तरीके से कैसे आप अपने पेज को, अपने फ़ोटो को रिसाइज करेंगे, कैसे उसके साइज को कम बेसी करेंगे, यही आज इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कैसे आपको रिसाइज करना है। ठीक है, देखिए ये हमारा फ़ोटो है, इस फ़ोटो को हम रिसाइज करना चाहते हैं। इसकी हम प्रॉपर्टीज आपको दिखला देते हैं, कितने के बी का है। देखिए ये 446 के बी का है, ठीक है, 448 के बी यहाँ दिखला रहा है, साइज दिखला रहा है, साइज ऑन डिस्क दिखला रहा है इतना। ठीक है, तो इसको हम रिसाइज करेंगे। तो कैसे आपको रिसाइज करना है, सबसे पहले आप इसे पेंट में ओपन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए ओपन विथ पे, यहाँ इसे लाएंगे अपना माउस पॉइंटर तो यहाँ दिखेगा पेंट, पेंट पे आपको क्लिक करके इसे ओपन कर लेना पेंट में। यहाँ पे आपको देखिए यहाँ कुछ नहीं इसको करना है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए आपको रिसाइज दिख रहा होगा, इस रिसाइज पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ रिसाइज पे क्लिक करेंगे यहाँ देखिए पिक्सल दिख रहा होगा, तो इस पिक्सल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ देखिए हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, आपका हॉरिजेंटल मतलब विथ जो इसकी चौड़ाई होती है उसकी बात कर रहा है, और ये वर्टिकल वर्टिकल। तो यहाँ देखिए इसको 2000 है तो हम इसको सीधे करते हैं 400। ठीक है, ये ऑटोमेटिक यहाँ वर्टिकल ले लिया है। यहाँ अगर अपने हाथ से अपने जैसे को वर्टिकल अपनी खुद रेशियो लगाना चाहते थे इसे अनचेक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो आप टाइप करना चाहते हैं, जितना आप हाइट इसका रखना चाहते हैं 700 800 300 400 जो भी आपसे मांगा हो, ठीक है, जो जो आप एग्ज़ाम फॉर्म चाहे जो भी फॉर्म आप फिल कर रहे हैं, जो भी साइज आप मांगा है आपसे वो यहाँ पे फिल कर देना। तो हमको फ़िलहाल यही इतना ही रहने देना है। तो हम ये जो मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो जो दिया है इसे हम इसे चेक मतलब फिल रहने देते हैं, चेक जो ये चेक बॉक्स है। ठीक है, अब सिंपल सा आप इसे ओके पे क्लिक कर दीजिए। जब ओके पे क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस दबाना है। ठीक है, कंट्रोल प्लस यहाँ से यहाँ पे आपको दिखा होगा, तो देखिए कंट्रोल प्लस एस जब दबाएंगे यहाँ देखिए साइज अब क्या दिखला रहा है, साइज 45.5 के भी दिखला रहा है। तो अब हम आपको दिखला देते हैं वो फ़ोटो, अब इसकी प्रॉपर्टी आपको दिखला देते हैं। यहाँ देखिए यहाँ ये देखिए 45.4 के भी मतलब 45.4 के बी का अभी इसकी साइज हो गई है। अगर आपको और भी छोटा करना है तो सिंपल सा आपको ये पेंट में फिर इसे ओपन करना है, इसी पे रिसाइज पे आना है, ये पिक्सल पे क्लिक करिए, 400 है तो इसे 300 कर दीजिए। ठीक है, तो अब इसे कंट्रोल प्लस एस फिर दबाइए, आपको यहाँ पे दिखेगा कंट्रोल प्लस एस, देखिए तो यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको 31.0 के बी आपको साइज दिख रहा है। तो इसी तरीके से आप लोगों को अपना फ़ोटो रिसाइज करना है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि इसी तरीके से हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय।